भक्त बंधुओं और बहनों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कुछ ऐसी चीजें जो मंगलवार को नहीं करनी चाहिए, स्पेशली जो कि व्रत रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं हनुमान जी की, वो चीजें ये गलती से भी या भूल से भी ना करें। जिसके ऊपर मंगल दोष है वो तो स्पेशली इस चीजों को परहेज करें, वो बिल्कुल भी ना करें। और व्रत रखने वाले भी ध्यान से सुने, ध्यान से देखें कि ये चीजें उनको नहीं करनी चाहिए मंगलवार के दिन। और हो सके तो आप अगर मंगलवार का व्रत नहीं रख रहे हैं तब भी इन चीजों को अवॉइड करें और भगवान हनुमान जी की पूजा आराधना करें। तो आइए जानते हैं मंगलवार के व्रत में या मंगल की फास्टिंग में ये चीजें, 10 चीजें मैं आज बताऊंगी आपको, वो चीजें आप बिल्कुल भी परहेज करें, उन चीजों को ना करें। हनुमान जी को सबसे दयालु और प्रसन्न होने वाले देवता माने जाते हैं। हालांकि अगर इनकी पूजा में लापरवाही की जाए और अच्छे से नहीं किया जाए तो वो जल्दी क्रुद्ध भी हो जाते हैं। हनुमान जयंती चैत मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाई जाती है और इस दिन भगवान हनुमान को प्रसन्न करने के लिए हम बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए। परंतु कुछ ऐसे कार्य हैं, जो काम हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए हर मंगल के दिन, अगर आप मंगल का व्रत रखते हैं या फिर आप मंगल का व्रत नहीं भी रखते हैं तब भी इन सारी चीज़ों का परहेज करते हुए भगवान हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। और ख़ास करके वो लोग जिनके ऊपर मंगल दोष होता है वो इन चीज़ों को बिल्कुल भी परहेज करें या अवॉइड करें इन सब चीज़ों को करने के लिए। आगे वीडियो में आपको बताऊंगी कि वो 10 चीज़ें क्या हैं जो हनुमान जयंती या मंगलवार के व्रत में, मंगलवार के दिन आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। तो आइए जानते हैं डिटेल में। सबसे पहली और मुख्य बात कि हनुमान जी की पूजा करने वाले भक्त को या फिर जो मंगलवार का व्रत रखते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं या हनुमान जयंती के दिन जो व्रत रखते हैं उस दिन उनको नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि दान में दी गई वस्तु, विशेष करके मिठाई जो हम दान देते हैं, उनका सेवन भी ना करें। दान देते हैं उनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए, दान दी हुई चीज़ों का सबसे मुख्य चीज़ है, ये है पहली बात। दूसरी बात, हनुमान जी की पूजा करते समय काले और सफ़ेद रंग के कपड़े ना पहने। बजरंग बली की पूजा करते समय हमेशा लाल और पीले वस्त्र ही धारण करें, दोनों शुभ माना जाता है, लाल और पीला। और हनुमान जी को हमेशा पीले टीके का अभिषेक करना चाहिए, उनको लाल या फिर लाल या गुड़हल का फूल या फिर गेंदे का फूल, पीले का पीला फूल चढ़ाया जाता है, ये उनका प्रिय है। और हनुमान जी को हम ध्यान रखें कि हमेशा श्वेत कपड़ा, सफ़ेद कपड़े या फिर काले कपड़े पहन के बिल्कुल ही पूजा आराधना उनकी नहीं की जाती है। तीसरी मुख्य बात, हनुमान जी की पूजा करते समय ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना चाहिए, ये आवश्यक है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी होने की वजह से स्त्रियों से स्पर्श से दूर रहते हैं, मतलब स्त्रियां उनको छूती नहीं है पूजा करते टाइम, ऐसा मानते हैं लोग। ऐसे में पूजा के दौरान स्त्रियों को हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो जब भी स्त्रियाँ पूजा करें, दूर से पूजा कर लें। वुमेन जो मैरिड जो सौभाग्यवती महिलाएं हैं उनको हमेशा उनको चंदन या टीका अभिषेक करना चाहिए। कुंवारी कन्याओं को उनसे थोड़ा सा उनकी पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। आप उनका व्रत रख सकती हैं, आरती कर सकती हैं, उनका पाठ पूजा पाठ कर सकती हैं, बस उनकी मूर्ति को स्पर्श नहीं किया जाता है। चौथी बात, हनुमान जयंती या फिर हनुमान जी के मंगलवार की पूजा में, ट्यूजडे के फास्टिंग में, घर में कभी भी हनुमान जी की टूटी हुई मूर्ति की पूजा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। चाहे मंगलवार हो, चाहे हनुमान जयंती हो, चाहे जो दिन हो, कभी भी आप जब भी भगवान की पूजा करें हनुमान जी की, तो टूटी तस्वीर या टूटी फूटी तस्वीर या मूर्ति का पूजा नहीं करना चाहिए। आप उस मूर्ति को या उस तस्वीर को घर से हटा दें, उसमें भगवान का वास नहीं माना जाता है। इसमें एक डिटेल वीडियो बनाऊँगी, आपको बताऊँगी डिटेल में क्यों ऐसा होता है। अभी आप इतना समझ लीजिए कि कभी भी टूटी हुई मूर्ति का, हनुमान जी की या किसी भी भगवान की टूटी हुई मूर्ति का, फटी हुई तस्वीर का पूजा नहीं की जाती है। उसको हमेशा अवॉइड करें, उसको हटा दें घर से या पूजा स्थल से, उसको हटा देना चाहिए। पांचवी सबसे मुख्य बात होती है कि मंगलवार के दिन या फिर हनुमान जयंती के दिन भूल से भी अपने घर में मांस मदिरा का सेवन ना होने दें या बनने भी ना दें घर में। कोशिश करें मंगलवार को अगर आपके घर में कोई खाने वाला भी हो तो आप उनको बोलें कि वो बाहर खाएं, बाहर रहें। मंगलवार के दिन अपने घर में हमेशा शुद्ध वातावरण रखिए, शुद्ध बिल्कुल वातावरण होना चाहिए। आपके घर में कोई मांस मदिरा ना सेवन करें, ना पके घर पे, तो ये ध्यान रखना चाहिए मंगलवार के दिन और हनुमान जयंती के दिन, क्योंकि हनुमान जयंती को हनुमान जी का दिन होता है, इसीलिए उस दिन भी आपको नहीं करना चाहिए।
हनुमान जी की पूजा उस समय वर्जित मानी जाती है जब सूतक लगा हो। सूतक उस दिन को बोलते हैं जिस दिन परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, उस दिन सूतक 13 दिन तक मनाया जाता है। और 13 दिन तक भगवान हनुमान जी की पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, उसको वर्जित कर दें, घर में पूजा ना करें। चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, औरत या आदमी जो भी हो, कोई भी पूजा घर में हनुमान जी की बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हनुमान शांति प्रिय आसानी से प्रसन्न होने वाले देवता हैं, इसीलिए घरें बिल्कुल भी कलह ना करें, अशांति से शनि प्रकोप बढ़ सकता है। तो इसीलिए हमेशा अपने घर में थोड़ा शांति वातावरण रखें, लड़ाई झगड़ा कम करें, बहुत शुद्ध वातावरण हमेशा रहना चाहिए आपके घर का, शांति प्रिय वातावरण बना के रखें अपने घर का। दिन के वक्त अगर आपने व्रत रखा है तो दिन के समय सोने से परहेज करें, संभव हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करें पूरे दिन। अगर आपको नींद आ रही है ज़्यादा तो आप हनुमान चालीसा के पाठ कर सकते हैं, सुबह शाम हमेशा हनुमान जी का चालीसा पढ़नी चाहिए, उनका पाठ करना चाहिए। तो दिन में आपको सोना परहेज है, सोना बिल्कुल अवॉइड करें उस टाइम पर जिस दिन मंगलवार है या फिर हनुमान जयंती है, उस दिन आपको हमेशा अवॉइड करना है सोना। मंगलवार के दिन आप हमेशा ध्यान रखें हनुमान चालीसा सुबह शाम ज़रूर पढ़ें, सुबह हनुमान जी की आरती ज़रूर करनी चाहिए, और आरती करने के दौरान आपको कपूर और घी के दिए का दिया जलाना चाहिए, कपूर की भी आरती हनुमान जी को करनी चाहिए। और दिन में एक बार बजरंग बाण ज़रूर पढ़ें, सुबह के समय या शाम के समय आप बजरंग बाण पढ़ सकते हैं, तो किसी भी समय आप एक बार अवश्य बजरंग बाण को पढ़ें। अगर आप पुरुष हैं और हनुमान जी की सेवा करते हैं, उनके पूजा पाठ और उनका व्रत रखते हैं मंगलवार के दिन, तो हनुमान जयंती या फिर मंगलवार के दिन जब आपने व्रत रखा है तो हमेशा उनको लाल सिंदूर से उनके मूर्ति को हमेशा पूरे अच्छे से उनको सेवा करनी चाहिए, लाल से उनको पूरा गेरू से पूरा नहलाना चाहिए। एक ये चीज़ होती है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पुरुष को करना चाहिए, स्त्रियों को ये नहीं करना चाहिए। मंगलवार के दिन कोशिश करें हमेशा, जब भी आप व्रत रख रहे हैं या फिर हनुमान जयंती के दिन, आप हमेशा ध्यान रखिए सुंदर कांड का पाठ ज़रूर करें, चाहे थोड़ा सा ही करें, थोड़ी देर बैठ जाएं, आधे घंटे 15 मिनट 10 मिनट जितना भी आप कर पाएं, आप हमेशा मंगलवार के दिन शाम को करें। अगर सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा आप ये ध्यान रखिए हमेशा कि आप सुंदर कांड का पाठ ज़रूर करें। भगवान हनुमान इसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, उनको सुंदर कांड का पाठ बहुत प्रिय है। सो आप हमेशा ध्यान रखें कि मंगलवार का व्रत रख रहे हैं, हनुमान जयंती है, तो आप हमेशा थोड़ा सा ही, एक घंटा ही या फिर 10 मिनट ही आप कर पा रहे हैं, जितना भी आपके अंदर सामर्थ्य है उतना या तो सुंदर कांड का पाठ पढ़ें या फिर सुने। अगर आपके ऊपर मंगल दोष है, ये अगर आप हनुमान जयंती की पूजा पाठ करते हैं, तो कभी भी आपको मंगलवार के दिन शारीरिक संबंध बनाने से परहेज करना चाहिए, और भगवान हनुमान की सच्चे मन से उपासना करनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई जो हनुमान जयंती और आपको मंगलवार के यानी कि ट्यूसडे फास्टिंग में अवॉइड करना है, चीज़ों को परहेज करना है। और अगर आपने एक बार हनुमान जी का पूजा पाठ शुरू कर दिया है तो आपको भी ये चीज़ें परहेज करनी चाहिए हमेशा। तो ये कुछ चीज़ें आप हमेशा अपने दिमाग में ध्यान रखें, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आप उनके पूजा और पाठ करें। हनुमान जी को हम भोग लगा के, उनको बहुत सारी चीज़ें अर्पित करके उनको प्रसन्न करते हैं, परंतु हमें ये भी ध्यान रखना है कि उनको क्या चीज़ें पसंद नहीं है या उनको क्या चीज़ें परहेज करनी चाहिए, तो हमेशा चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा ताकि सबको पता चलना चाहिए कि मंगलवार को क्या चीज़ें परहेज करनी चाहिए उनकी उपासना करते समय, ताकि हम हनुमान जी को प्रसन्न कर सकें। और जो भी मंगलवार का व्रत है सबके साथ फॉरवर्ड करिए ताकि उनको बता सकें कि देखो पूजा के दौरान आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, ये चीज़ें परहेज करनी है। तो आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सबके साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए नमस्कार।